कमजोर वर्ग के लोग आरक्षण खतरे में, नौजवान खतरे में, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब खतरे में, महंगाई बढ़ रही है, किसानों के फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी गारंटी देने वाली सरकार कहाँ है, एमएसपी किसान खतरे में, रेप और हत्याएं बढ़ रही है, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, तो महिलाएं खतरे में, जो खतरे में है उनके खतरे को कम करने के लिए और उनके विश्वास दिलाने के लिए कि ये बुरा समय भी बीत जाएगा। पिछली बार जो गलतियां हुई वोट के चयन में उनका परिणाम है कि ये अहंकारी सरकार पुनः सत्ता में आ गई। अभी सरकार को हटाने के लिए हथौली के बाद अब रामपुर और मैनपुरी से जो बिगुल बजेगा वो इस अहंकारी सरकार की झूले हिला देगा, जड़े हिला देगा और इनको एहसास करा देगा कि जनता ही मालिक होती है। अभी तो ये खुद को मालिक समझ बैठे हैं, जाति धर्म देख के बुलडोजर चलता है, न्याय नहीं होता है, रेप जैसे मामलों में FIR दर्ज नहीं होती है, कमजोर वर्ग के लोग तो अपनी जान को बचाते हुए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो यहाँ न्याय हो रहा है चुनाव में या जो लोकसभा के उपचुनाव में वो भी सबने देखा। पिछली बार मैं चुप गया था, इस बार नहीं चुप गया, इस बार मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा है कि अगर गोली भी सरकार चलाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद का सीना सबसे आगे रहेगा, अगर लाठी भी चलाएगी तो मेरा सीना सबसे आगे रहेगा, लेकिन आप हमारे भाई हैं, घबराएं ना, वो अपनी वोट का प्रयोग करें और बताएं जनता में, लोकतंत्र में जिसका वोट होता है उसी का राज होता है। आजम खान साहब से मिलने जा रहे हैं घर पर? बड़े हैं मेरे, उनका पहले से बहुत प्यार, मैं दुख के समय में कई बार मैंने आने का प्रयास किया, नहीं आ पा, आज उनसे मिलूंगा और जो हालात हैं यहाँ के उनसे जानूंगा, जो सीनियर हैं उनको ज़्यादा पता होगा राजनीति किस तरह से यहाँ के हालात, कुछ उनसे जान के और कुछ जो हमारे लोग हैं यहाँ बिहार में आज़ाद समाज पार्टी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके जरिए रामपुर की जनता से अपील करूँगा, घर घर जाऊँगा, दरवाजे खटखटाऊँगा, उनका जो सो गए हैं उनको जगाऊँगा, बिल्कुल आँख बंद करके बैठे हैं उनको भी झंझोड़ूंगा, घबराइएगा बिल्कुल, ऐसे इससे भी बुरे हालात रहे, हमने तो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया भारत, तो आज क्यों घबरा, ये सरकार अगर अंग्रेजों से बुरा हाल करेगी तो क्या पहले सहित की नहीं रेस मिलवाल तारीख नहीं चली गई, हम तो वो लोग हैं किसान का मेरे मजदूर वर्ग के लोग जिन्होंने जो बंजर मिट्टी को जो है उपजाऊ बना देते हैं, हम तो फसल को समझते हैं और आज के जो हालात हैं आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, तो इस लोकतंत्र को और उसमें लोकतंत्र के जो उद्देश्य हैं संविधान के जो उनको बचाने के लिए मैं हूँ, और ये बताने के लिए कि मैं बनने के लिए नहीं, मैं इसलिए हूँ कि भारत जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं देश को बांटने के, हिंदू मुसलमान के बुनियादी मुद्दों से जो दूरी बनाई जाती है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से जो किसानों की समस्या है, जो महिलाओं के साथ अन्याय, इन सब पे ध्यान ले जाना पड़ेगा, एजुकेशन के साथ जो खेल हो रहा है, जुडिशरी के जरिए जो खेल हो रहा है और जिस तरह सत्ता के जो सरकारी में उसका दुरुपयोग हो रहा है, इन सब की तरफ ध्यान ले जाना पड़ेगा। जीएसटी की बातें की थी प्राइम मिनिस्टर ने, नोटबंदी की बातें की थी, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया है, खत्म हो गए, के फायदे बताए प्राइम मिनिस्टर बता नहीं पा रहे हैं, जीएसटी 1% होना चाहिए, कल मैं बात कर रहा था दिल्ली के लोगों से, छोटा व्यापारी बेबस हो गया है, कहाँ जाए, कुछ बोलता है आंदोलन करता तो मुकदमे लग जाते हैं, तो GST 1% होनी चाहिए, 18% खुल के टैक्स दें, और जो सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए गरीबों का खून चूसती है वो भी बंद होना चाहिए, माफ करा जा रहा है उनका कर्जा, हम यहाँ लड़ेंगे। आप बताओ पिछली सरकार में जो भर्ती आई उनमें कितने घोटाले हुए, दरोगा की भर्ती आई, पेपर लीक हुआ, घोटाले हुए, कितने लोग पैसे लेकर भागे हैं यार यहाँ से, शिक्षक भर्ती आई 29 शिक्षक भर्ती, 20,000 दलित और पिछड़ों के पद खा गई सरकार, घोटाले हुए, पेपर लीक हुआ, भावी नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है सरकार, कर्जा माफ किया सरकार ने, उद्योगपतियों का साल नहीं होता, जिस प्रदेश का वो प्रदेश को साल नहीं होता, किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, और अगर अब भी हम चुप हैं कर्जा माफ, इसका मतलब हमारा जमीर मर गया, मेरा जमीर जिंदा है। चंद्रशेखर जी, 22 का जो विधानसभा चुनाव हुआ तो गठबंधन नहीं हुआ, अब उपचुनाव में गठबंधन नहीं है, ये लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान और इस लड़ाई में किसी न्योता नहीं भेजा गया, मेरी इच्छा है कि हम रामपुर जीतें और हम मैनपुरी भी जीतें और हम हथौली भी जीतें, बिल्कुल, क्योंकि ये संदेश भी मिलना चाहिए अहंकारी ताकतों को और बांटने वाली पार्टियों को जो ये समझ बैठी है कि जनता बेवकूफ है, उनको संदेश भी मिलना चाहिए कि जनता ही तय करती है कि लोकतंत्र में सत्ता किसके पास रहेगी, बिल्कुल, तो अपना अहंकार और घमंड त्यागें और जो मजलूमों पर लाठियां और बंदूकें तान के जो चुनाव कराए जा रहे हैं ये लोकतंत्र की सत्यता नहीं है, ये उद्देश्य इस उद्देश्य से लोकतंत्र नहीं आया था, अगर वास्तविकता में लोकतंत्र की इज्जत करनी है तो आमना सामना करें, लड़ें चुनाव, बिल्कुल, और फिर जनता को मौका दें, मैंने लोकसभा का उपचुनाव भी देखा यहाँ,
और आपने भी देखा ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, डर का जवाब देने के लिए चंद्रशेखर अगर सबका जमीर बढ़ जाएगा, सब चुप हो जाएंगे तो कोई तो बोलेगा, तो उनमें से मैं हूँ। सही बात, आजम भाई लड़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए। चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुश्किलों की ज्यादा परवाह है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिस समाज में, जिस देश में, जिस प्रदेश में मैं जन्मा हूँ, वहाँ की जनता परेशान है, मुझे उनकी ज्यादा चिंता है। मायावती जी तो बड़ी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो दलितों के साथ अन्याय गांव तक हो रहा है, जो उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ, उस पर कौन बोलेगा? तो उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो तो लड़ ही नहीं रही है, वो नहीं लड़ रही है, तो कोई तो लड़ेंगे हमारे। इमरान भाई, अरे गाड़ी में तो काम हो गया।